नमस्कार दोस्तों, देख सकते हो मुझे दो स्क्रैच कार्ड गूगल पे में मिले हैं। एक स्क्रैच कार्ड को स्क्रैच करता हूँ जिसमें 20 रुपये से लेके 300 रुपये के बीच मिलेगा, जैसे आप देख सकते हो। और दूसरा जो स्क्रैच कार्ड है इसमें मुझे 300 रुपये फ्लैट मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं गूगल पे के सुपर वॉल ऑफर के बारे में। देखो, इस ऑफर के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। ये जो दो स्क्रैच के कार्ड है आपको किस प्रकार से मिलेगा, लाइव आपको सब कुछ ए टू जेड प्रोसेस समझा के बताने वाला हूँ। उससे पहले बता दूँ कि आप टेलीग्राम पे ज्वाइन होकर बहुत ज़्यादा कैशबैक की अर्निंग कर सकते और पैसा कमा सकते, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए सबसे पहले मैं गूगल पे एप्लीकेशन को ओपन करता हूँ। यही ऊपर में ऑफर शो हो जाएगा, अप टू 600 रुपये तक के की आप अर्निंग कर सकते। चलिए इस ऑफर में हम एंटर कर जाते हैं, ठीक है। और ये ऊपर में ही ऑफर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी आपको क्या प्रोसेस करना है, यहाँ पे आपको 6 स्टेप कंप्लीट करना है और ये 4 दिन बाद ऑफर एक्सपायर हो जाएगा, मतलब 7 तारीख तक ये ऑफर चलने वाला है, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। इसमें आपको जो ये हाउस दिया है इसको बिल्ड करना है, और इसको बिल्ड करने के लिए यहाँ पे आपको टोटल में 6 स्टेप दी गई है, ठीक है। तो ये स्टेप को जैसे आप कंप्लीट कर लेते हैं, 6 को आपको 2 स्क्रैच कार्ड देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसको कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो देखो यार, यहाँ पे डू अ बैंक ट्रांसफर, तो आपको बैंक में मिनिमम अपने बैंक में ट्रांसफर वाले बटन पे क्लिक करके आपको सेंड कर देना है 1000 रुपये या उसके ऊपर का, ठीक है। तो चलिए मैं अपने यहाँ पे बैंक डिटेल डाल देता हूँ। ट्रांसफर वाले बटन पे क्लिक करूँगा, एंटर मैनुअल डिटेल, अकाउंट नंबर, फिर से अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और यहाँ पे नाम डाल के मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। तो चलिए मैंने अपना ही बैंक डिटेल डाल दिया और यहाँ पे 1000 रुपीज़ डाल के अपने ही बैंक में सेंड मनी कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और अपना UPI पिन डाल के सक्सेसफुली पेमेंट डन कर देता हूँ। ये जो पेमेंट है मैंने जो बैंक डिटेल डाला उसमें चले गया और मेरा एक यहाँ पे देख सकते हो सुपर वाला यहाँ पे स्टंप भी कलेक्ट हो चुका है। देखते हो जैसे मैंने किया तो देख सकते हो कि मुझे एक यहाँ पे सक्सेसफुली बैंक में 1000 रुपये भेजने के लिए लास्ट वाला ही सक्सेस हो चुका है। अब इसके ऊपर में ये वाला जो दिया है इसे कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट वाले में 1000 रुपये बैंक में सेंड किए, सेकंड वाले में किसी भी फ्रेंड को 50 रुपये या उसके ऊपर का सेंड मनी कर देना है। चलिए मैं सक्सेसफुली अपने फ्रेंड के अकाउंट में सेंड मनी कर देता हूँ उसके गूगल पे का नंबर डाल के। चलिए मैं सक्सेसफुली यहाँ पे सेंड मनी कर दिया 50 रुपये का, और जैसे पेमेंट डन हुआ ऊपर में देख सकते हो कि फिर से मुझे यहाँ सक्सेसफुली सुपर वॉल वाला स्टंप कलेक्ट हो चुका है, जैसे आप देख सकते हो। गाइस देखो, 2 तो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। अभी हमें और 4 बाकी करना है। अब इसके बाद आता है यहाँ पे जो स्कैन एंड पे मर्चेंट वाला, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, आपको किसी भी QR कोड स्कैन करके पेमेंट कर देना है, लेकिन वो जो QR कोड है पेटीएम का बिजनेस किसी भी शॉप में रहता है, कहीं भी रहता है, आप तो करते ही होगे ना, आपने खुद का भी होगा, तो वहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिए। चलिए मैं स्कैन नाउ पे क्लिक करता हूँ और गैलरी वाले ऑप्शन पे चूज करके सक्सेसफुली मैं इस QR कोड को स्कैन कर लेता हूँ जो मेरा ही है, और उस पर 50 रुपये का सक्सेसफुली पेमेंट डन कर दूंगा। और जैसे ही सक्सेसफुली मेरा पेमेंट डन होगा फिर से मेरा यहाँ पे स्टम्प कलेक्ट हो जाएगा, और ये जो मैं पेटीएम के बिजनेस QR कोड पे यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट किया हूँ और इसको कंप्लीट करते ही मेरा थर्ड वाला जो स्टम्प है स्टेप, मतलब ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो नीचे के 3 हो चुके हैं। अब चौथा जो है पे अ मर्चेंट ऑनलाइन वाला, इसमें आपको क्या करना होगा। अब देखो ये वाला ऑप्शन आपको कंप्लीट करने के लिए 2 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। पहला तो ये कि जो ये अपना पे मर्चेंट ऑनलाइन वाला है ना, इसके लिए आपको जो स्कैन एंड पे वाले पे आपने जो पे किया है ना, ये जो है आपका जैसे आप बैक करेंगे तो यहाँ पे आपके होम वाले पेज पे देखने को मिल जाता है। जैसे आप मैं ऊपर में देखूँ तो ये देख सकते हो कि यही वाला QR कोड पे भी मैंने स्कैन करके पेमेंट किया था, ठीक है, देख सकते हो आज की डेट। तो अभी मैं क्या करूँगा, नॉर्मली पे वाले बटन पे क्लिक करके नॉर्मली पे कर दूंगा, स्कैन नहीं करूँगा, ठीक है, सक्सेसफुली। जैसे देख सकते हो वही वाले QR कोड पे मैं पे कर दिया, एक बार स्कैन करके किया और एक बार जैसे स्कैन करके होम पेज पे आ गया तो मैंने नॉर्मली पे कर दिया। तो इससे क्या होगा कि मेरा ये वाला स्टंप फिर से कलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हो कि ये जो चौथे नंबर का स्टंप है ये भी कलेक्ट हो गया, मतलब कि ये दोनों एक ही QR कोड से हो गए, लेकिन एक बार स्कैन करके किए और दूसरे बार जो हमने नॉर्मली जो ऑप्शन आया था उससे कर दिए। अभी ये 4 तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब ये जो 5वें नंबर का हमें कंप्लीट करना है ना, इसके लिए आपको जो है मिनिमम 50 या उसके ऊपर का बिल पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो बिल पेमेंट आप मान लो DTH रिचार्ज बिल पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह वगैरह करते तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर पेटीएम का फास्टैग है आपके पास तो आपको पता ही है पेटीएम फास्टैग का रिचार्ज करते तो आपके अपने पेटीएम वॉलेट में जाता है, ठीक है। मैं पे वाले बटन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे पेटीएम फास्टैग या कोई भी यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह का मैं पेमेंट सक्सेसफुली कर दूंगा, ठीक है। वैसे तो गाइस मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट भी करने का बाकी है, लेकिन मैंने पेटीएम मतलब फास्टैग का ही करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मिनिमम 100 का मैं यहाँ पे 50 का बोला है, आप 50 या उसके ऊपर का भी इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट रिचार्ज करेंगे तो आपका हो जाएगा। तो चलिए मैं सक्सेसफुली पेटीएम फास्टैग का यहाँ पे जो रिचार्ज डन कर चुका हूँ और ये जो अमाउंट है कुछ 2 से 3 मिनट बाद मेरे पेटीएम वॉलेट में चले जाएगा। जैसे देख सकते हो कि ये सक्सेस हो चुका है और ये मेरे पेटीएम के वॉलेट में आ चुका है, ये 100 रुपये जो भी मैंने उधर से पेमेंट किया था, ठीक है। अब ये अमाउंट आ चुका है और इसके लिए हमारा टास्क भी सक्सेसफुली कंप्लीट
हो चुका है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। गैस में ये सब कुछ तो हो गया, पांच आपकी स्टेप कंप्लीट हो गई, फिर आप कोस्ट की समझ सकते हो, ठीक है। अब छठवा जो आपको कंप्लीट करना है, ये सब कुछ तो हो गया। अब ये छठवा जो है ना, इसमें आपको मिनिमम 50 या उसके ऊपर का मोबाइल रिचार्ज या फिर पोस्ट पेड बिल पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। तो ये देखो इसमें क्या है कि देखो नॉर्मली तो आप जियो का रिचार्ज करते हैं, तो आप जैसे मान लो कि आपका रिचार्ज खत्म होने वाला है, तो मान लो कि आपका अगले महीने खत्म होने वाला है, तो आप अभी भी करके रख सकते हैं। जो आपका नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होता है, जैसे ये जैसे आपको पता ही है जियो में, तो आप मिनिमम आपको बस इसमें 50 रुपये ये करना है, लेकिन ये आपको 20 या 20 से लेकर 300 तो मिल ही जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सक्सेसफुली रिचार्ज ही कर लेता हूँ। तो चलिए मैं सक्सेसफुली जियो का रिचार्ज कर लेता हूँ, जो मुझे नेक्स्ट मंथ काम में आ जाएगा, अगर अब मेरा रिचार्ज है भी तो, ठीक है। तो चलिए मैंने सक्सेसफुली कर लिया, और जैसे ही करूँगा ना, वैसे के वैसे देखो मुझे स्क्रैच कार्ड देखने को मिल जाएंगे और मेरे 6 टास्क भी कंप्लीट हो जाएंगे। देखो ये एक स्पेशल जो यहाँ पे कुछ ये मिला है, इसको तो हम इग्नोर करते हैं, और इसको और जैसे ही मैं ऑफर वाले सेक्शन में आता हूँ, तो देखो 6 के 6 मेरे यहाँ पे टास्क कंप्लीट हो चुके, ये भी फ्री का तो 5 हो गए, एक में रिचार्ज करना पड़ा, वो भी फ्री का ही समझ लो, क्योंकि देखो रिचार्ज तो हमारा नेक्स्ट मंथ काम में आ ही जाएगा, है ना। वैसे वैसे के लिए रिचार्ज करती है, इसके लिए हमें देखो यहाँ पे क्लेम योर रिवार्ड का ऑप्शन आ चुका है, या डायरेक्टली आपको रिवॉर्ड वाले सेक्शन में भी ये ऑफर को जो स्क्रैच कार्ड देखने को मिल जाएगा, जिसका जिसमें एक स्क्रैच कार्ड तो आपको इंस्टेंटली ओपन हो जाएगा। चलिए मैं कुछ स्क्रैच कार्ड और पड़े हुए हैं, ये भी मैं आपको स्क्रैच करके दिखा देता हूँ। इसमें तो कुछ नहीं होगा यार शायद, ये वाउचर वगैरह कुछ। तो देखो ये और एक ऑफर मिल गया, अभी मैंने ऑफर अप्लाई किया, जिसमें मैं अगर टॉप अप करता हूँ, ये यहाँ पे 5 से लेके 50 मिल जाएगा। अगर मैं कोई भी डाटा रिचार्ज करता हूँ टॉप अप मिनिमम 79 या उसके ऊपर का, तो ये तो चलो जाने दो, डाटा की ज़रूरत है तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये जो स्क्रैच कार्ड है इसमें आपको 20 रुपये से लेकर 300 रुपये के बीच मिल जाएगा। जैसे मैं स्क्रैच करता हूँ, तो देखो मुझे जो 21 रुपये मिला, ये तो ठीक है, 20 से लेकर 300 के बीच मिल सकता है, लग बेस पे है, ठीक है। अब ये मैं इसको कट कर देता हूँ, और ये जो स्क्रैच कार्ड है इसमें जो है 1,00,000 यूजर्स को ना 300 रुपये रिसीव्ड होगा। जी हाँ, लोगों को बेटर लक नेक्स्ट टाइम भी निकलेगा, लेकिन बहुत सारे लोगों को 300 रुपये निकलेगा। और ये जो है आपका 9 दिसंबर को अनलॉक होगा लगभग 2 बजे दोपहर में, ठीक है। देखो यार ये ऑफर को बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं, इसलिए देखो 10% यूजर को यहाँ पे 300 रुपये मिलेगा, और 90% को बेटर लक नेक्स्ट टाइम, और 1,00,000 यहाँ पे देख सकते हो ये रिवॉर्ड रखा गया, तो कितना ज़्यादा है आप समझ सकते हो। तो इस ऑफर को अप्लाई करना तो बनता है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत ऑफर्स आए थे जिसमें 300 रुपये बहुत सारे लोगों को यहाँ पे देखने को मिला था। तो एक बार ट्राई करना तो आपको बनता है, ठीक है।